दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरापुट और गंजाम जिले के बारे में और पता लगाएंगे ये दोनों में अंतर क्या है और समानता क्या है। तो बने रहे वीडियो की एंड तक, क्योंकि आज की वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ट्रैवल कार्निवल। फैक्ट नंबर वन, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। दोस्तों, घने जंगलों से घिरा खूबसूरत झरने और घाटे से परिपूर्ण ओडिशा का कोरापुट जिला सुकून प्रदान करने वाला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक मनोरम पर्यटन स्थल है। दूसरी तरफ गंजाम बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है तथा यहाँ कई खूबसूरत समुद्री तट है, इसीलिए साल भर यहाँ पर्यटकों आना जाना लगा रहता है। फैक्ट नंबर टू, फेयर एंड फेस्टिवल्स। जब हम मेले और त्योहार की बात करते हैं तो कोरापुट में आयोजित होने वाले विभिन्न त्योहारों जैसे पर्व, जागर मेला, रथ यात्रा, बाली यात्रा, दोल पूर्णिमा, मुतुलामा यात्रा, नीलावती यात्रा, दशहरा, नुआखाई आदि प्रसिद्ध है। दूसरी तरफ गंजाम में आयोजित होने वाले विभिन्न त्योहारों जैसे दोल यात्रा, तारातारिणी मेला, दंड यात्रा तथा ठाकुरानी यात्रा के दौरान राज्य के विभिन्न भागों से भक्तों की भारी भीड़ यहाँ आती है। फैक्ट नंबर थ्री, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स। हाथों से कला के शानदार टुकड़े बनाने की एक प्राचीन परंपरा के बाद कोरापुट कलाकार लंबे समय से दुनिया के सामने अपनी विस्मयकारी उत्कृष्ट कृतियों को प्रस्तुत करते आ रहे हैं। बहुत सारे हस्तशिल्प है जैसे लकड़ी का काम, पत्थर की नक्काशी, मिर्गन टेक्सटाइल और कठपुतली और मास्क बनाना आदि शामिल है। दूसरी तरफ गंजाम पत्थर की नक्काशी, बांस शिल्प, लकड़ी की नक्काशी, एप्लिक्स और पीतल के डिजाइन जैसे उत्कृष्ट हस्तशिल्प जिले की शोभा को और बढ़ा देते हैं। फैक्ट नंबर फोर, आर्ट्स एंड कल्चर। एक तरफ कोरापुट की सांस्कृतिक विरासत इसके जीवंत कला के रूप में परिलक्षित होती है। चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला, हस्तशिल्प, संगीत और नृत्य की विशिष्ट परंपराओं के साथ कोरापुट एक लंबी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का दावा करता है। कोरापुट क्षेत्र में आदिवासियों के रंगीन नृत्य और संगीत की समृद्ध और विविध विरासत को बरकरार रखा है। नृत्य के दौरान रंग बिरंगे परिधान पहने जाते हैं, वे अपने सिर पर पंख, फूल और पत्ते लगाते हैं। इसके अलावा कोरापुट के साप्ताहिक बाजार विभिन्न रंगीन आदिवासी समुदायों के एक साथ आने का बहुरूपदर्शक दृश्य प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर गंजाम के अद्वितीय नृत्य रूप, रंगमंच रूप और हस्तशिल्प कला सदियों से विकसित और विकसित हुए हैं। प्रहलाद नाटक एक लोक रंगमंच है जिसकी उत्पत्ति लगभग 300 साल पहले गंजाम क्षेत्र में हुई थी। प्राचीन काल में गंजाम के स्थानीय लोगों में ये रोष था और आज भी है, हालांकि आज इसकी लोकप्रियता में काफ़ी गिरावट आई है। पुराण नाटक राजा प्रहलाद की पौराणिक कहानी पर आधारित है। प्रहलाद की पूरी, पगडंडी और क्लैश पारंपरिक संगीत और नृत्य पर आधारित है। इसके अलावा कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले परिधान भी पारंपरिक होते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, ट्रैवल एंड टूरिज्म। जब ट्रैवल एंड टूरिज्म की बात आती है तो कोरापुट अपनी टेबल टॉप माउंटेन और सुरम्य जलप्रपात के लिए जानी जाती है। यह पूर्वी घाट के साथ स्थित है। ऐतिहासिक परिदृश्य के साथ कोरापुट प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक खजानों में आप यहाँ रहस्यमय गुम्फाओं से लेके खूबसूरत बगीचे तक देख सकते हैं, जैसे डुडुमा जलप्रपात 1672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तथा ओडिशा और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी देवमाली, कोलाब नदी पर स्थित कोलाब हाइड्रो प्रोजेक्ट, मीनाझोला जो तीन नदियों की संगम स्थल है, मालीगुड़ा टनल और सुंकी घाटी की पहाड़ी श्रृंखला, काकरीगुमा हिल स्टेशन आदि शामिल है। ऐतिहासिक स्थलों में सबर श्री क्षेत्र, नंदपुर, कोरापुट ट्राइबल म्यूजियम आदि ऐतिहासिक स्थान मौजूद है। दूसरी ओर गंजाम अपनी सामुद्रिक पठार और समुद्री तट के लिए जानी जाती है। हरी भरी वनस्पतियों से सजे विशाल पर्वत के साथ साथ यह सुंदर स्थान यहाँ स्थित अपने प्राचीन अवशेष के लिए भी जानी जाती है। प्राकृतिक खदानों में आप यहाँ गोपालपुर सी बीच, आर्यपल्ली सी बीच, हुमरी टेम्परा लेक, निर्मलाझार और ऋषिकुल्या नदी में स्थित ऑलिव रिडले कच्छुए प्रजनन केंद्र आदि शामिल है, जो साल भर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वास्तुकला और ऐतिहासिक गंतव्यों में माँ तारातारिणी मंदिर, तप्तपाणी हॉट स्प्रिंग वाटर, जौगढ़ दुर्ग, मोहरी कालुआ शक्तिपीठ
और पंचमा सिद्धिविनायक मंदिर आदि शामिल है। दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि कोई स्थान छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई किसी से कम या अधिक नहीं होता, क्योंकि सबकी एक अलग इतिहास, भूगोल और सांस्कृतिक विरासत होता है। हमें दूसरों की भाषा, रहना, खाना पीना और संस्कृति की कदर करना चाहिए।